क्या माइनक्राफ्ट के अंदर एले को पानी से डैमेज नहीं मिलता है, या फिर क्या माइनक्राफ्ट के अंदर फॉर्चून 3 टीएनटी के साथ काम करता है? और बताओ भैया कैसे हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली माइनक्राफ्ट के कुछ अजीबोगरीब मेथड टेस्ट करने वाले। तो चलो जी भैया आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1 है भाई, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर पिस्टन ग्रेवल और सैंड जैसे ग्रेविटी ब्लॉक को तोड़ सकता है? देखो नॉर्मल तरीके से अगर हम लोग पिस्टन के मदद से ग्रेवल को हिलाने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वही भाई यही चीज अगर हम लोग बार बार स्पीड में करने की कोशिश करेंगे तो फिर समहाउ पता नहीं कैसे लेकिन ग्रेवल भाई टूट जाता है। और यही सेम चीज सैंड के साथ भी देखने को मिलता है। तो जी हाँ, ये वाला मेथड पूरी तरीके से कंफर्म है। देखो ये तो हम सबको पता है माइनक्राफ्ट के अंदर कोई भी इलेजर भाई रेड में किसी भी बेबी विलेजर के ऊपर अटैक नहीं करता है। ये बेसिकली इलेजर लोगों के उसूलों के खिलाफ है। लेकिन अपना दूसरे नंबर की मेथड दरअसल ये है, माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग कोई भी वेंडिकेटर को जॉनी नाम दे देते तो फिर वो वाला वेंडिकेटर भाई इतना ज्यादा पागल हो जाता है, वो भाई बेबी विलेजर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन अगर हम लोग वेंडिकेटर को जॉनी नाम दे देते तब भी वेंडिकेटर बेबी विलेजर के ऊपर हमला नहीं करता है। अभी तुम लोग सोचोगे जॉनी नाम शायद से खराब हो गया होगा, ऐसा नहीं है भाई। अगर हम लोग इस वाले वेंडिकेटर के सामने ने दूसरा कोई मॉब को स्पॉन कर देते तो जॉनी वेंडिकेटर भाई तुरंत उस मॉब को मार देता है, लेकिन ये बेबी विलेजर के ऊपर हमला नहीं करता है। लेकिन जॉनी वेंडिकेटर का जलवा इधर ही खत्म नहीं होता है। अगर हम लोग एंड में जॉनी वेंडिकेटर को छोड़ देते तो ये पागल इंसान भाई एंडर ड्रैगन को मारने चला जाता है। तीसरे नंबर की मिथ्या भाई, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर लूटिंग 3 एन्चेंटमेंट टीएनटी के साथ काम करता है? मतलब अगर हम लोग कोई भी मॉब को टीएनटी के मदद से मारते एंड उस टाइम पे हम लोग लूटिंग 3 वाले स्वॉर्ड को पकड़ लेते तो फिर क्या लूटिंग 3 अप्लाई होता है? अगर हम लोग क्रीपर के सामने टीएनटी को फोड़ देते एंड लूटिंग 3 वाले स्वॉर्ड को पकड़ लेते तो क्रीपर फोड़ने के बाद अपने को टोटल 2 गन पाउडर मिला। नॉर्मली 1 गन पाउडर मिलता है। एक बारी हस्क के ऊपर भी ट्राई कर लेते, एक हस्क को मारने के बाद अपने को टोटल 5 रॉटन फ्लैश मिला। 100% पक्का भाई लूटिंग 3 काम कर रहा है। मेथड नंबर 4 है भाई, क्या ये सेम टेक्निक फॉर्चून 3 के साथ काम करता है? मतलब अगर हम लोग कोई भी और को टीएनटी के मदद से फोड़ देते एंड उसी टाइम पे फॉर्चून 3 को पकड़ लेते तो फिर क्या अपने को ज्यादा आइटम मिलेगा? आज ही घंटा बिल्कुल नहीं मिलेगा। 3 डायमंड फोड़ा है और 3 ही डायमंड अपने को मिला है भाई। तो ना जी ना, ये वाला मिथ बिल्कुल भी काम नहीं करता है। 5वें नंबर की मिथ है भाई, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग मशरूम को फार्म कर सकते? मतलब क्या अगर हम लोग मशरूम को अंधेरे में प्लेस कर देते तो फिर वो खुद ब खुद फैलना चालू हो जाता है? एक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते ताकि फटाफट काम हो जाए। एंड यस, जी हाँ बिल्कुल, मशरूम फैल चुका है भाई। ये तो गजब ही हो गया भाई। इस तरीके से हम लोग अनलिमिटेड मशरूम ले सकते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर। एक्चुअली में हम लोग मशरूम को फार्म कर सकते हैं। अपना 6वें नंबर की मिथ दरअसल ये है, माइनक्राफ्ट के अंदर बीस जो है वो हनी ब्लॉक से हनी खाता है। क्या बात करते हो, ये कब हो गया? देखो माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग बहुत सारे बीस को हनी ब्लॉक के पास छोड़ देते तो फिर कभी कभी बीस जो है वो हनी ब्लॉक से चिपक के कुछ तो करने की कोशिश करता है। देखो इधर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे जाके रिसर्च किया। हाँ, पूरा 10 सेकंड लगा के रिसर्च किया मैंने और मेरे को पता चला, हाँ भाई बीस हनी खाता है। बीस बेसिकली हनी ब्लॉक के अंदर अपना सर को घुसा देता है एंड हनी खा लेता है। 7वें नंबर के मिथ है भाई, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर जॉम्बी बुझे हुए कैंप फायर को जला सकता है? मतलब बेसिकली दिन में जब जॉम्बी के ऊपर आग लग जाता है तब क्या जॉम्बी उस आग का इस्तेमाल करके कैंप फायर को जला सकता है? देखो जावा एडिशन के अंदर ये दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, समहाउ पता नहीं कैसे लेकिन ये चीज बेडरॉक एडिशन के अंदर एक्चुअली में काम करता है। बेडरॉक एडिशन के जॉम्बी भाई बुझे हुए कैंप फायर को जला सकता है। तो जी हाँ, ये वाला मिथ भी पूरी तरीके से कन्फर्म है। अपना 8वें नंबर की मिथ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर मिथ है, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर एंडरमैन एक्चुअली में हम लोगों से बात करता है? मतलब बेसिकली मिथ दरअसल ये है, अगर हम लोग एंडरमैन के साउंड को उल्टा कर देते तो फिर वो इंग्लिश में बात करता है। देखो नॉर्मली एंडरमैन कुछ इस तरीके से बात करता है जिसका सर और पैर कुछ भी नहीं है, लेकिन वही अगर हम लोग एंडरमैन के इस साउंड को उठा लेते एंड उल्टा कर देते तो फिर वो सुनने में कुछ ऐसा बन जाता है। देखो तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या तुम लोगों को कुछ समझ में आया? मेरे को तो घंटा कुछ समझ में आया नहीं है। अपना 9th नंबर के मिथ दरअसल ये है, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर जॉकी नेदर पोर्टल का इस्तेमाल करके नेदर में जा सकता है? देखो अगर हम लोग बात करेंगे स्पाइडर जॉकी की तो जी हाँ, स्पाइडर जॉकी नेदर पोर्टल का इस्तेमाल कर सकता है और नेदर में भी जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे बेबी ज़ॉम्बी चिकन जॉकी की तो हाँ जी भैया, वो भी नेदर पोर्टल का इस्तेमाल करके नेदर में जा सकता है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, ये वाला फीचर भाई
1.21 के अंदर ऐड हुआ है। 10वें नंबर की मिथ दरअसल ये है, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग विंड चार्ज के मदद से इलाइट्रा को उड़ा सकते हैं? देखो, विंड चार्ज को अगर हम लोग सही से इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग लंबा छलांग तो लगा सकते हैं और फिर इलाइट्रा के मदद से ग्लाइड करके थोड़ा बहुत उड़ भी सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग जमीन के करीब आते और दोबारा विंड चार्ज का इस्तेमाल करते तो फिर ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है विंड चार्ज के मदद से हम लोग इलाइट्रा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। 11वें नंबर की मिथ दरअसल ये है, माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग कोई भी फिश को मारते हैं तो फिर क्या वो बोन मिल ड्रॉप करता है? अभी देखो, एक दो को मार के काम बनेगा नहीं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5% चांस होता है। फाइनली बहुत सारा फिश को मारने के बाद अपने को बोन मिल मिल चुका है, ये वाला मिथ पूरी तरीके से कन्फर्म है। लेकिन अगर सोच रहे हो इससे बोन मिल फार्म बन सकता है, ना जी ना, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। 5% चांस भाई बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। लेकिन इधर मजे की बात ये है, माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर फिश को मारने पे वो भाई बोन मिल की जगह पे बोन ड्रॉप करता है और दौर चांस भी बहुत ज्यादा हाई होता है, 25%। तो हाँ जी भैया, बेडरॉक एडिशन के अंदर एक्चुअली में हम लोग फिश के मदद से बोन मिल फार्म बना सकते हैं। 12वें नंबर की मिथ दरअसल ये है, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग एले को पानी में डुबा के नहीं मार सकते? देखो, अगर हम लोग एले को पानी के अंदर बंद कर देते तो फिर थोड़ी देर बाद ही एले को डैमेज मिलना चालू हो जाता है। तो फिर क्या ये मिथ बस्टेड है? ना जी ना, भले ही एले को पानी के अंदर डैमेज मिलता है लेकिन हैरान हो जाओगे, इस तरीके से एले कभी मर ही नहीं सकता है। एले को डैमेज मिलता रहेगा लेकिन उससे एले को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्या एले के पास अनलिमिटेड हेल्थ होता है? ऐसा नहीं है भाई, एले के पास इनफिनाइट हेल्थ तो नहीं होता है, लेकिन एले के पास एक सुपर पावर होता है जो कि भाई एले का नेचुरल हेल्थ रीजनरेशन। बेसिकली माइनक्राफ्ट के अंदर एले हर एक सेकंड में भाई 2 हर्ट रीजनरेट कर सकता है। अभी सोचो एक बारी, अगर कोई बंदे को 1 सेकंड में 2 हर्ट मिल रहा है तो फिर वो बंदा मरेगा कैसे? इसीलिए एले को पानी के अंदर डुबा के मारना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 13 नंबर की मिथ है भाई, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग पैरेट को कुकीज खिला देते उसके बाद हम लोग दोबारा से पैरेट को बचा सकते? अगर हम लोग गौर से देखेंगे तो माइनक्राफ्ट के बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग पैरेट को कुकीज खिला देते तो फिर पैरेट भाई तुरंत नहीं मरता है, वो धीरे धीरे मरता है। बेसिकली कुकीज खिलाने के बाद पैरेट के ऊपर एक डेंजरस पॉइजन इफेक्ट लग जाता है, इसका नाम है फटल पॉइजन, जो कि पैरेट को धीरे धीरे खत्म कर देता है। देखो, अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बताना चाहूंगा, फटल पॉइजन एक ऐसा पॉइजन है जो मॉब को आधे हर्ट पे नहीं छोड़ता है, पूरा का पूरा खत्म कर देता है। लेकिन अगर हम लोग पैरेट को कुकीज खिलाने के बाद उसके ऊपर इंस्टेंट हेल्थ वाला पोशन मारते जाएंगे तो फिर पैरेट भाई फटल पॉइजन के साथ भी सरवाइव कर पाता है। लेकिन पता नहीं क्यों पैरेट के ऊपर जो फटल पॉइजन लगता है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। मैंने बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन पैरेट का फटल पॉइजन भाई खत्म ही नहीं हुआ। मेरे को ऐसा लगता है पैरेट के ऊपर जो फटल पॉइजन लगता है वो इनफिनाइट टाइम के लिए होता है। तो हां जी भैया, ये वाला मिथ बस्टेड है, हम लोग पैरेट को फटल पॉइजन से नहीं बचा सकते। मिथ नंबर 14, क्या माइनक्राफ्ट के अंदर नेदर क्वाड के जो ब्लॉक होता है वो नेदर क्वाड के स्लब से कमजोर होता है? देखो, अगर हम लोग नेदर क्वाड ब्लॉक के एक वॉल के सामने TNT को फोड़ देते तो नेदर क्वाड के पूरे का पूरा वॉल भाई चकनाचूर हो जाता है। लेकिन वही पे अगर हम लोग वॉल को नेदर क्वाड ब्लॉक के जगह पे स्लब से बनाएंगे एंड देन दीवार के सामने TNT को फोड़ देंगे तो सामान पता नहीं कैसे लेकिन दीवार का थोड़ा बहुत हिस्सा भाई बच जाता है। निकल लेते अपना लास्ट वाला मिथ के ऊपर, जो कि भाई क्या माइनक्राफ्ट के अंदर अगर हम लोग ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन के ऊपर अटैक नहीं करेंगे तब भी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन एक्सपीरियंस पॉइंट ड्रॉप करता है? मतलब क्या ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन बिना बात के एक्सपीरियंस पॉइंट ड्रॉप करता है? देखो, अपने को पहले एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन के ऊपर अटैक करना है। अभी जितना भी ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन हमारे ऊपर गुस्सा है वो सारा का सारा पिगलिन भाई एक्सपीरियंस पॉइंट ड्रॉप करना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, सारा का सारा ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन भाई एक्सपीरियंस पॉइंट ड्रॉप कर रहा है। हालांकि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन के ऊपर अटैक किया है लेकिन तब भी सार का सारा ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन भाई एक्सपीरियंस पॉइंट ड्रॉप कर रहा है। तो चलो जी भैया, इसी के साथ आज का वीडियो इधर ही खत्म करते हैं। लेकिन क्या तुम लोगों को पता है माइनक्राफ्ट के अंदर हम लोग एक्सलोटल को लीड के 7 बकेट के अंदर डाल सकते? जानने के लिए इस वाले वीडियो को चेक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।